माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने से परहेज नहीं कर रहे। काली माता मंदिर से लगी हुई जमीन पर माफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। परासिया के ईडीसी कॉलोनी में काली मंदिर समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही पुलिस ने भी शिकायत की गई है। समिति का कहना है कि भूमाफिया ने काली मंदिर के पीछे सटी शासकीय जमीन पे फॉल्स रजिस्ट्री करवा ली है और पूरे शासकीय जमीन में अवैध कब्जा शुरू कर दिया है। भूमाफिया बिना डरे इस कुलांचल में लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भूमाफियाओं ने हर शासकीय जमीन पर अपनी नजर गड़ा रखी है। हम लोग आज यहाँ पर ईडीसी के तमाम नागरिक लोग यहाँ पर डब्ल्यूसीएल की जमीन बचाने के लिए आए हैं। भूमाफिया जो है अवैध कब्जा कर रहा है, जबकि 100 साल पहले 1969 में डब्ल्यूसीएल ने क्रय कर लिया और डब्ल्यूसीएल के द्वारा सुधारा नहीं गया है रिकॉर्ड, इसलिए उसका नाजायज़ फायदा करके तहसीलदार RI और पटवारी सिविल के रजिस्ट्री करा के वो गोंडों के नाम पर खरीदकार गुंडे लोग उसमें प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। और हम लोग सबका कहना है कि वो सार्वजनिक जगह है और 100 साल से है वो वहाँ किसी की जमीन नहीं, डब्ल्यूसीएल ने खरीदा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।